बहुत हो गया वर्क फ्रॉम होम। ओके दीपा, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। गीतिका बाय बाय, टाटा, आई एम गोइंग। रुक गए पापा। अरे क्या हुआ बेटा, पीछे से आवाज नहीं लगाते? बोला था ना बैड मैनर्स होता है। अच्छा दी, सारे बैड मैनर्स सब भगवान हमें दे रखे हैं और सारे गुड मैनर्स फिर क्या आपको पापा को दे रखे भगवान ने? ओह नो। अरे वो सब छोड़ो बेटा, अभी क्या है, मैं लेट हो रहा हूँ, वैसे भी है ना इतने दिन बाद ऑफिस जा रहा हूँ, समझा करो बात को। कितने दिन बाद? हाँ बताता हूँ ना बेटा, इसमें कौन सी बड़ी बात है। वो 22 सर को मेरे पास राज का मेल आया था, उस पर मैंने रिप्लाई किया था, फिर उस पर उसने रिवर्ट रिप्लाई किया था जिसको मैंने अजय को भेजा था, फिर अजय ने जो रिवर्स में रिप्लाई किया था उसको मैंने विजय बॉस को भेजा था। विजय बॉस ने मेरे को उस पर कैलकुलेशन करके ये बताया था कि ये नहीं हो सकता, इसकी जगह हम ये करें, फिर उस रिप्लाई को मैंने किया था फॉरवर्ड अखिलेश जी को। फॉरवर्ड करना भूल गया था क्या? चलो मैं लेट हो रहा हूँ, बाद में कैलकुलेशन करेंगे, मैं चलता हूँ। अब क्या हुआ मेरी माँ? पता है मुझे यार, दीपा आप इसको समझाते क्यों नहीं हो? दीपा आप इस मम्मी बोलो। अरे आपकी मम्मी है वो मम्मी। मेरी मम्मी है, अगर आपकी मम्मी आती ना तो आपको भी अपनी गलती के लिए डांटती, जैसे मैं डांटती। गलती? अरे कौन सी गलती, अभी फर्स्ट क्लास में तो तेरा एडमिशन हुआ नहीं है और तू मुझे गलती बताएगी? हाँ बताऊंगी। तो बताओ ना, बताओ बताओ क्या गलती है, बताओ। ओ अच्छा, मास्क? मास्क है ना, है ना, वो अंदर पड़ा हुआ है। हाँ है ना, है अंदर, है अंदर पॉकेट, इस पॉकेट में पड़ा हुआ है। पॉकेट में अंडे दे रहा है बेटा। पापा मास्क नहीं लगाया। अरे बेटा वो रास्ते में पुलिस अंकल मिलेंगे ना, तब लगा लूंगा, तब तो लगाना ही पड़ेगा ना, तब लगा लूंगा। पुलिस के डंडों से डर लगता है, कोरोना वायरस से नहीं लगता। अरे नहीं नहीं बेटा, वो थोड़ा सा पुराना हो गया ना तो थोड़ी शर्म आती है, रास्ते से नया खरीद के लगा लूंगा, पक्का डन, प्रॉमिस। अरे बेटा सच बताऊ ना तो इसको लगाने से है ना मेरा दम घुटता है, दम सांस नहीं आती, पर तुम चिंता विंता मत करो, तुम्हारे पापा जो हैं वो एकदम फिट है, फिट। और ये कोरोना फोरोना मुझे नहीं हो सकता, और बाई चांस अगर हो भी गया तो इसका पता लगने से पहले ही है ना मैं सही हो जाऊंगा, मेरी इम्यून पावर बहुत स्ट्रांग है, इम्यूनिटी स्ट्रांग है, आपके डैडी की तबीयत एकदम फिट एंड फाइन। पापा यही तो प्रॉब्लम है, आप एकदम फिट हो। मतलब? पापा आप तो स्ट्रांग हो पर हम नहीं है। मैं समझा नहीं बेटा, अभी भी नहीं समझा। पापा आपको तो आपको पता भी नहीं चलेगा, मैं मेरा भाई जब तीन मंथ का है, हमारा क्या? पापा आपसे हमको लग गया तो हम ठीक हो पाएंगे, सोचो जरा। बचेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया, फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो बढ़ बढ़ के लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए एंड सब्सक्राइब एंड बाय। फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक इट, और हाँ मेरा चैनल भी सब्सक्राइब करें ताकि मेरा हौसला बढ़े।